नमस्कार। आज श्रीमद् भागवत के सातवें स्कंध में चलें। वहाँ श्री नारद जी और युधिष्ठिर महाराज का कुछ संवाद हो रहा है और उसको हम अपने कर्णपुटकों में भर करके पिए। यह दिव्य सत्संग नारद जी ने यहाँ पर चाबियाँ दिया है। नारद जी कहते हैं, काम को जीतना चाहते हो क्या करना चाहिए, क्रोध को जीतना चाहते हो उसके लिए क्या करना चाहिए, लोभ को कोई जीतना चाहे उसके लिए क्या करना चाहिए, शोक को जीतना कोई चाहे तो क्या करना चाहिए, मोह को जीतना चाहे तो क्या करना चाहिए। आइए श्री नारद जी की ओर चलें। नारद जी कहते हैं, धर्मराज, संकल्पों के परित्याग से काम को, कामनाओं के त्याग से क्रोध को, संसारी लोग जिसे अर्थ कहते हैं उसे अनर्थ समझकर लोभ को और तत्व के विचार से भय को जीत लेना चाहिए। अध्यात्म विद्या से शोक और मोह पर, संतों की उपासना से दंभ पर, मौन के द्वारा योग के विघ्नों पर और शरीर प्राण आदि को निश्चेष्ट करके हिंसा पर विजय प्राप्त करना चाहिए। आधि भौतिक दुख को दया के द्वारा, आधि दैविक वेदना को समाधि के द्वारा और आध्यात्मिक दुख को योग बल से एवं निद्रा को सात्विक भोजन स्थान संग आदि के सेवन से जीत लेना चाहिए। सत्वगुण के द्वारा रजोगुण एवं तमोगुण पर और उपरति के द्वारा सत्वगुण पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। और बहुत बढ़िया चाबी देते हुए कहते हैं, श्री गुरुदेव की भक्ति के द्वारा साधक इन सभी दोषों पर सुगमता से विजय प्राप्त कर लेता है। हृदय में ज्ञान का दीप जलाने वाले गुरुदेव साक्षात भगवान ही हैं। जो दुर्बुद्धि पुरुष उन्हें मनुष्य समझता है उसका समस्त शास्त्र श्रवण हाथी के स्नान के समान व्यर्थ है। बड़े बड़े योगेश्वर जिनके चरण कमलों का अनुसंधान करते रहते हैं, प्रकृति और पुरुष के अधीश्वर वे स्वयं भगवान ही गुरुदेव के रूप में प्रकट हैं, इन्हें लोग भ्रम से मनुष्य मानते हैं। एष वै भगवान साक्षात प्रधान पुरुषेश्वरः योगेश्वरैर विमृग्यांघ्रिर लोकोयम मन्यते नरम। इस तरह से हमें किसी भी दुर्गुण पर विजय प्राप्त करनी हो तो क्या करना चाहिए, इसकी चाबियां श्री नारद जी ने दी हैं। और फिर ये बता दिया कि जिसने भी गुरुदेव की भक्ति करी, गुरुदेव के चरणों की भक्ति करी, तो इन सभी दोषों पर सुगमता से विजय प्राप्त की जा सकती है। इसके बाद में नारद जी ने एक और सुंदर बात कही। कहते हैं कि शास्त्रों में जितने भी नियम संबंधी आदेश हैं उनका एकमात्र तात्पर्य यही है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, इन छह शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली जाए, अथवा पांचों इंद्रिय और मन, ये भी छह हैं, ये वश में हो जाएं। और कहते हैं कि यदि ये हो जाएं, ये वश में हो जाएं या उन छह पर विजय प्राप्त कर ली जाए, ऐसा हो जाए उसके बाद भी यदि उन नियमों के द्वारा भगवान के ध्यान चिंतन आदि की प्राप्ति नहीं होती तो उन्हें केवल श्रम ही श्रम समझना चाहिए। यानी श्री भगवान का जो चिंतन है, उनका जो ध्यान है, यह सर्वोपरि है और हमें उधर ही सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आज हमने श्री नारद जी से बहुत अच्छी अच्छी चाबियाँ प्राप्त की। आज इतना ही। नमस्ते।